आई, मैं तो सिर्फ इसकी मदद कर रही थी और ये उल्टा सारा कुछ मेरे ऊपर डाल रही है। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि इसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो बात और न बिगड़े, मामला पेचीदा न बने। इसलिए मैंने वर्षु को कहा कि ये आपसे झूठ न बोले और आपको सब कुछ सच सच बता दे। अब आप ही बताइए आई, मैंने क्या गलती की? आई, मैं जानती हूँ मैंने जो भी कहा है उसे बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल है, शायद तुम कर भी नहीं पाओगी, लेकिन आई तुम जो भी सजा दोगी मुझे मंजूर है। कम से कम मेरे दिल पर यह बोझ तो नहीं रहेगा कि मैंने झूठ बोला है। नहीं आई, मुझे सब सब पता था। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर। समझेगी तू अपनी आई को? कब समझेगी? अपनी ताई को तो सब कुछ बता दी और आई से सब कुछ छुपाया। डर गई थी। वर्षा, बिना वजह मैंने तुम्हें कभी नहीं डांटा है। अरे, गलतियां तो हम सबसे होती है, बल्कि गलतियां हमसे होती है, इसीलिए तो हम इंसान है, नहीं तो भगवान होते ना। तूने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया ना, बस इतना ही मेरे लिए काफी है। अच्छा हुआ कि तूने सच बोल दिया। हाँ ताई, आज नहीं तो कल बताना ही था, और अगर आज मैं नहीं बताती तो कल को वही नहीं बता दे, और वो भी मिर्च मसाला लगाकर। और ये मौका मैं उन्हें नहीं देना चाहती। माना कि मैंने गलती की, लेकिन मेरी गलती का फायदा वो उठाए, नहीं मैं ये नहीं होने दे सकती। अब जाने देना वर्षु। सॉरी ताई, प्लीज, मेरे पास तेरे जैसा बड़ा दिल नहीं है। अगर कोई बात मुझे खलती है तो हाँ खलती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये बात बहनी को कैसे पता चली। ताई पता है, आज मेरी जिंदगी का बहुत खास दिन है। तेरे समझाने पर ही क्यों ना सही, आज मेरी आई ने मुझे समझा। ताई, आज अगर आई मुझे थप्पड़ भी मारती ना तो भी मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि बाहर रहने के बाद एक बात तो मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ, अपनों के मार में भी प्यार होता है और बाहर वालों के प्यार में भी धोखा। वर्षा, तूने सारी बातें बताई, लेकिन शायद तू एक बात भूल गई बताना। अब कौन सी बात ताई? मैंने सब कुछ तो बता दिया। नहीं बताया, तूने एक बात नहीं बताई। ताई कौन सी बात, ठीक से बताओ तो। वही बात कि मानव ने तुझे तेरे बॉस की असलियत बताई,
उन्होंने ही तुझे उसके चंगुल से निकाला, ये नहीं बताया तूने ना। खैर छोड़ ताई, मैंने ये बात जानबूझकर किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं ये देखना चाहती थी कि ये बात तुम्हें कितनी याद है। और देखो तुम्हें तो सब कुछ याद है ताई, जानती हो इसका मतलब? जीजू की अच्छाई सुनकर तुम्हें खुशी होती है, तुम चाहती हो कि उनकी अच्छाई सबको पता चले, है ना? ऐसा कुछ नहीं है वर्षु। ताई तुम चाहे लाख बार मना करो, लेकिन तुम्हारे इस एक सवाल ने ये जाहिर कर दिया कि तुम मानव जीजू से अब भी जुड़ी हो। मानव जीजू की अच्छाई और बुराई के साथ, उनके सुख दुख के साथ तेरी खुशियां और गम जुड़ा है। अरे ये प्यार नहीं है तो फिर क्या है? मैं बोल रही हूँ अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं जाकर बात करूंगी। नहीं वर्षु, तुम सिर्फ, मैं वो सब कुछ भूल कर आगे बढ़ चुकी हूँ और तुझे कहीं जाकर मेरे लिए बात करने की जरूरत नहीं है। ताई लेकिन मेरी, वर्षु रात बहुत हो चुकी है, सोने चल। मैंने आज किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कल जरूर बताऊंगी कि मुझे सही रास्ते पर लाने वाले मानव जीजू ही थे। तू मेरी बहू नहीं बेटी है, इस घर की लक्ष्मी है, इस घर का सुख चैन सब तू ही है बेटा। अगर तू ही चली जाएगी तो तेरे बिना वो नहीं जी पाएगा। जन्म जन्म का रिश्ता ऐसे बीच रास्ते में तोड़कर मत जा रचना। मत जा अर्चना, मत जा। ये अर्चना कौन है? अपने शो की हीरोइन तो स्वाति। अर्चना जिस घर से लक्ष्मी चली जाती है ना, उस घर की बर्बादी को कोई नहीं रोक सकता। अब इस घर को बचाना सिर्फ तेरे ही हाथ में है अर्चना, किसी और के लिए ना सही, मेरे बेटे के प्यार के लिए ही सही। बच्चा दामोदर जी, आपकी बहू का नाम स्वाति है, अर्चना नहीं। मेरे बहू का नाम अर्चना ही है, गलती से ही सही, मैं सही बोला क्या? नहीं नहीं कुछ नहीं, मैं कल स्वाति ही बोलूंगा। अब मैं चलूं? हाँ बिल्कुल। कल के दिन में मैं अपने बेटे से कहूंगा, अरे दुनिया चाहे तुझसे दुश्मनी मोल ले, लेकिन अपने प्यार को कभी अलग होने नहीं देना। जब तक तेरा प्यार तेरी पहुंच में है उसे हासिल कर ले, वक्त निकल जाने के बाद कुछ नहीं मिलेगा। पागलों की तरह दर दर भटकता रहेगा तू, लेकिन तेरा प्यार तुझे कभी हासिल नहीं होगा, कभी नहीं मिलेगा। आप बहुत अच्छा एक्टर हो बाबा। मुझे पता है ना, मुझे इस साल के मराठी नाटक एकेडमी के अवार्ड के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। हाँ देख तू, और ये जो प्रोड्यूसर है ना, वो एक नया नाटक बना रहा है, कॉमेडी। उसमें मैं तेरे आई का रोल करने वाला हूँ। आई का मतलब? मतलब झगड़ालू और मूर्ख इंसान का। हाँ, जो हमेशा ऐसे हाथ हिला के और आंखें ऐसी ऐसी से देखना। मानो इस रोल का अवार्ड पक्का मिलने वाला है। मानव कल तू अर्चना से कोर्ट में मिला था? हाँ क्यों? कहाँ कहाँ गए?
क्या क्या किया तुम दोनों ने? क्या बोल रही हो तुम? मैं नहीं, ये तस्वीर बोल रही है। क्यों तुम्हारी बोलती बंद क्यों हो गई? कब की है ये तस्वीर? आइए, कल की ही तस्वीर। अच्छा, मतलब तलाक पेपर सही करने के बाद भी तुम चोरी छिपे मिलते हो। इतना ही करना था तो ये अलग रहने का नाटक क्यों? अरे ऐसी बात नहीं है। अरे जिसने ये फोटो ली है वो मेरा और अर्चना का दोस्त। इत्तेफाक से मैं और अर्चना एक ट्रेन में थे तो उसने एक साथ फोटो खींचने की जिद की। अब मैं क्या बोलता है, सच कैसे बताता उसको? क्यों, जो सच है बताने में डर कैसा? अगर तू अपने नालायक दोस्त को ये बताता था तो ये घर पे फोटो भेजने की हिम्मत ही नहीं करता था, समझा ना? हेलो सर। हाँ सर, मैं पहुंच गई। नहीं सर, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। कौन सा केस सर? मिस्टर राणे का? हाँ सर, आपने कहा था कि उसकी एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दो, लेकिन सर मैंने अभी भी वो केस होल्ड पर रखा है। सर वो क्लाइंट गरीब है, हमारे इंटरेस्ट रेट से वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर सकता। लेकिन सर यकीन मानिए, वो बहुत मेहनती है और बहुत ज़रूरतमंद भी है सर। और सर अगर हम ये केस स्पेशल केस के तौर पर ट्रीट करें तो। थैंक यू सर। सर मैं आज रात को ये फाइल बना के कल सुबह आपके टेबल पर रख दूंगी। ओके सर। आई, आखिर सतीश जी मान गए। आई पता है, सतीश जी की खासियत है, वो कभी किसी एक चीज के पीछे पड़े नहीं रहते, वो हालात के मुताबिक अपनी पॉलिसी चेंज करते हैं। शायद यही एक वजह कि आज वो इतने कामयाब है। और अच्छा आई, मैं चेंज कर आती हूँ। आई, देखा आपने, अपनी अर्जु सतीश के साथ कितना घुल मिल गई है ना। आई मैं तो कहती हूँ अब आप ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, इस रिश्ते के लिए जल्दी से हाँ कह दो। मंजू। हाँ विनोद। आई ये तिमी, अगर अर्चना के रूप में मुझे एक अच्छी हाउसवाइफ मिलती है तो मैं क्यों अड़ा रहूंगा इस नौकरी या एजुकेशन के चक्कर में? ये शादी नहीं हो सकती। सबूत है कि आज मंदिर नहीं गई थी बल्कि ऐसी जगह गई थी जिसका नाम हम शरीफ लोग अपने जबान से भी नहीं ले सकते। सच कहूं ताई तो आपसे माफी मांगने आई हूं। अगर अर्चना और सतीश का रिश्ता एक बार फिर से, मैं अर्चना को उस वक्त भी बहुत पसंद करती थी और आज भी बहुत पसंद करती हूँ। हेलो। हेलो, मैं सतीश बोल रहा हूँ। अर्चना? हाँ, अब मंजू बोल रही हूँ मैं। अच्छू है, मैं अभी उससे फोन देती हूँ, एक मिनट ना। अरे अच्छू, तेरा फोन है, सतीश का है। हेलो। अच्छा अर्चना। हाँ सतीश जी। मैंने अभी अभी तुम्हें एक मेल किया है, तो ऑफिस जाकर के उसको चेक कर लेना, ठीक है? इट्स क्वाइट अर्जेंट। जी सर, मैं चेक कर लूंगी। अच्छा एक और बात, ये बात सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच रहनी चाहिए, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। बाकी जो भी डिटेल है वो मैं ऑफिस में तुम्हारे साथ डिस्कस कर लूंगा। आप भरोसा रखिए सर, ये बात हम दोनों के बीच ही रहेगी। ताई, एक बात बताऊं? हाँ
ताई ये सतीश जी मुझे कुछ ठीक नहीं लगते। मतलब वर्षा एक बात बता, तू सतीश जी के बारे में ऐसा क्यों सोचती है? कुछ दिन पहले भी तो सतीश जी के बारे में यही सब कह रही थी। उन्होंने क्या बिगाड़ा है हमारा? मतलब उल्टा उन्होंने तो हमेशा हमारी मदद ही की है। अरे कुछ मदद वदत नहीं ताई, बल्कि उनकी वजह से तो हमारा नुकसान ही नुकसान हुआ है बस। और स्पेशली तुम्हारा ताई, तुम्हारे और जीजू के बीच में जो भी दूरियां हैं, जो भी गलत समय आए, वो सब उनकी वजह से। वर्षु, मेरे साथ जो भी हुआ ना, ये मेरी किस्मत है। तू सतीश जी पे क्यों दोष लगा रही है? अब क्या, क्यों, कैसे, इन सब सवालों के जवाब नहीं है मेरे पास। देख ताई, बस तू इतना समझ ले, सतीश जी के इरादे कुछ ठीक नहीं है। बड़े ढीठ है, मैं इतना कुछ सुना कर आई, फिर भी उनके बर्ताव में कुछ बदलाव ही नहीं आ रहा है। तूने क्या कहा? वो ताई, तू जिस दिन कोर्ट गई थी ना, मैं उस दिन तेरे ऑफिस गई थी, और जिस दिन जीजू के गैरेज का ओपनिंग था, उस दिन भी मैं तेरे ऑफिस गई थी। वो एक्चुअली मैं तुझे मिलने नहीं गई थी, सतीश जी से मिलने गई थी, और उन्हें ये समझाने के लिए गई थी कि वो तुम दोनों के बीच में से हट जाए। अरे तुम्हारे लिए जो भी ओवर केयरिंग नेचर है ना, वो अपने पास ही रखे, उसे बदल दे। लेकिन कैसा इंसान है वो ताई, इतना सब कुछ समझाने के बावजूद वो बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। मैंने सब कुछ सोच समझ कर ही किया है। खाक सोचा है तूने? अगर तू सोचती ना, तो तू ऐसी गलती कभी नहीं करती। सतीश जी जैसे इतने अच्छे इंसान के साथ तू ऐसे बर्ताव कैसे कर सकती है वर्षु? तू जानती, तूने इतनी बकवास की है ना वहां जाकर, लेकिन आज तक उन्होंने ये बात कभी मुझ पर जाहिर तक नहीं होने दी, और ना ही मेरी तरफ उनके बर्ताव में कोई बदलाव आया। ये उनका बड़प्पन ही तो और क्या है वर्षु? अगर उनकी जगह कोई और होता ना, तो वहां मेरा काम करना मुश्किल कर देता। लेकिन सतीश जी ने, ताई तू बात को समझ नहीं रही है। मुझे कुछ समझना भी नहीं है। देख वर्षु, तुझसे गलती हुई है, तुझे सतीश जी से माफी मांगनी होगी। माफी? ताई प्लीज, मैं माफी नहीं मांगूंगी। ओके, तू मेरे कहने पर भी माफी नहीं मांगेगी? किस मुसीबत में डाल रहा है तू? मुझे नहीं सब पहना ये। अरे नहीं नहीं, कैसे नहीं पहनोगे? अपने सचिन की सगाई है और आप दूल्हे के बाबा, खास तौर पे आपके लिए बनवाए इसको। मानव, ये कौन साहब हमारे घर में आए? तू अब मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है? कमाल है। कस ओळखणार का? बुजगावण दिसत, बुजगावण। सच कहूं, ये सूट है ना, आपको बिल्कुल सूट नहीं करता। कौवा चले हंस की चाल। प्लीज, अरे तू इन्हें सूट पहना या शेरवानी कुर्ता पहना, ये संतरी मौसमी पी के कतर में गिरने वाले ना। मेरा बेटा मेरे लिए कुछ कर रहा है तो तेरे पेट में क्यों दुख रहा है? मेरे पेट में क्यों दुखेगा? तुम सूट पहनो या तो शेरवानी कुर्ता पहनो, मेरी बला से। माना, मैंने सबको न्योता दिया अपनी तरफ से, लक्ष्मी को भी, और अब मैं अर्चना को बुलाने भी जा रहा हूँ। 10 बार मैंने बोला है अर्चना इस घर में नहीं आएगी। क्यों? वो नाला की वजह से मेरी इज्जत का कबाड़ा कितनी बार किया है तूने? मैं चुप बैठी, कह रही कि पूजा थी, अचानक आ गई, मैं कुछ बोली नहीं। अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। अगर तुमने उसे इस घर में बुलाया फिर देखना। अरे जा, तुझे जो करना है कर ले। हाँ, अर्चना इस घर में आएगी, मेरे बेटे की सगाई में जरूर आएगी। मैं खुद जाके उसे न्योता दूंगा। बाबा, अर्चना घर पे नहीं आएगी। अरे बैठो। सतीश जी, वो वर्षा ने मुझे बताया कि उसने यहां आकर
आपसे बहुत बदतमीजी की। वर्षा ने आपसे जो कुछ भी बिना सोचे समझे कहा उसे वो नहीं कहना चाहिए था, और उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे नहीं अर्चना। नहीं सतीश जी, वर्षा को अपनी गलती का एहसास है और वो बहुत शर्मिंदा है। सतीश जी, I'm sorry. I mean, मैंने उस दिन जो भी कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था। अर्चना, वो निधि मैडम आपको बुला रही है। सर, मुझे निधि को कुछ अर्जेंट फाइल्स देनी थी, मैं अभी आती हूँ। वर्षा, मुझे तुम्हारी बातों का बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे बहुत बुरा लगा है, और बुरा इसलिए नहीं लगा क्योंकि पिछली बार आकर मैंने आपको इतना कुछ सुनाया, बल्कि बुरा इसलिए लगा कि मेरी कोई गलती ना होते हुए भी ताई के कहने पे मुझे आपसे माफी मांगनी पड़ रही है। मिस्टर, पिछली बार मैंने जो भी कहा आज भी मैं उस पे कायम हूँ। अरे क्या धक्का मारती है, चढ़ने को नहीं देती क्या? अरे सीधी खड़ी रहना, चल चढ़ने को भी नहीं देते। तुझे बैठना है क्या सविता? जाने दे। अरे बैठना, मैं खड़े रह सकती हूँ। तो क्या, मैं नहीं खड़ी रह सकती है? मैं क्या बुढ़ी हूँ? अरे चार चार बार मैं ऊपर नीचे पानी भरती हूँ नीचे से, खड़ी रह के खाना पकाती हूँ, तो मेरे से होता नहीं क्या खड़ा रहने को? ये कोनी क्या मारती है, सीधे खड़ी रहना। आई आप यहाँ बैठ जाइए ना। अभी तू हटेगी या मैं तेरी गोदी में बैठूं? ए, तू क्या सरकती है, मुझे जगह दी है ना, चली बैठने आराम से खिड़की में, मुझे जगह दी है। ये लोगों का ऐसा ही है, जगह मिली तो लगे सरकने। देख रुक्मिणी, नसीब में आराम होगा तो कैसे जगह मिलती है, देखा तेरे सामने खिड़की के बाजू में। हाँ वो तो तेरी बहू ने सीट दी ना इसलिए। कौन सी बहू, क्या बहू? अभी तो मैं नई बहू लाने वाली हूँ। मेरे सचिन की सगाई होने वाली है। अरे वो गिरीश जी है ना, उनकी बेटी श्रावणी, उसके साथ हो रही है। क्या होता है ये मिडिल क्लास लोगों के साथ शादी करके ना घर में कबाड़ा हो जाता है, इसलिए शादी करते समय अपने बराबर वाले लोगों के साथ शादी करने की है कि नहीं? अभी मेरा मानव गैरेज का मालिक, तो मैं भी मालकिन बन गई। गिरीश जी भी गैरेज के मालिक है कि नहीं? तो उनकी बेटी के साथ इसलिए शादी कर रहे हम। तू आना, मेरे पे गुस्सा मत करना। इतना सब कुछ हो गया और तू मुझे आज बता रही है? क्या हो गया, सब जल्दी जल्दी में हो गया ना, और मैं ये बात को फैलाना नहीं चाहती थी। आजू बाजू वाले बुरी नजर वाले होते हैं ना लोग, इसलिए तुझे बोला नहीं, लेकिन अभी बोला कि नहीं? तू आना, गुस्सा मत कर। चलो जो हुआ सो अच्छा ही हुआ, सचिन के तो नसीब खुल गए। सचिन का क्यों, सचिन के साथ मेरा भी, मतलब देख अच्छी बहू आई ना तो सास का भी नसीब खुलता है। अच्छा ये तो बता, आज तू क्या क्या खरीदने वाली है? तू जोर से पूछेगी क्या, ट्रेन में कितने लोग होते हैं? साड़ी खरीदनी है, गहने खरीदने हैं और मिठाई। मेरी बहू है ना, उसको काजू कतली बहुत अच्छी लगती है। 5 किलो खरीदने वाली हूँ मैं। मानो भी ना, मेरे सारे वीक पॉइंट्स अच्छी तरह जानता है, अपनी कसम दी उसने मुझे। अब ना मैं अर्चना के घर जा सकता हूँ
और ना ही उसे न्योता दे सकता हूँ, लेकिन किसी भी तरह अर्चना को तो सगाई में लाना ही लाना है। अरे चलना, क्या नाटक कर रहा है? अरे दुनिया में तेरे पास ही काम है क्या? मेरे लिए एक दिन छुट्टी नहीं निकाल सकता है क्या? मुझे नहीं पता तू मेरे एंगेजमेंट में आ रहा है बस। हाँ चल, अभी बहुत लोगों को फोन करना है। हाँ मंगिया को भी फोन करता हूँ। चल रखता हूँ, ओके। अरे सोलापुर वाली मौसी को। सचिन वंदिता यहाँ। वो बाबा क्या हो बाबा? क्या तुम दोनों को नहीं लगता कि तुम्हारी सगाई में अर्चना वहिनी भी शामिल हो? बाबा हम लोग लाख कोशिश कर ले, लेकिन वो भी ये बात पॉसिबल नहीं है। आपको तो पता है ना कि आई वहिनी को बिल्कुल नापसंद करती है, और दादा भी आई की बात को कभी काटेंगे नहीं। बाबा आप ही बताओ ना, ये बात कैसे जमेगी? मुझे पता है, लेकिन मानव ने मुझे कसम देके मेरे हाथ बांध रखे। तुम दोनों के हाथ तो खुले हैं ना। मतलब ये मानव ने मुझे अर्चना के घर जाने से मना कर दिया, तुम दोनों को नहीं। तो तुम दोनों अर्चना के घर जाके उसे न्योता दो। पापा लेकिन आपको तो पता है ना कि वही। मुझे पता है ये इतना आसान काम नहीं है। तुम दोनों अर्चना के घर जाओगे तो उसके घर वाले तुम्हारे साथ कैसे पेश आएंगे ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अपने मानव दादा के लिए तुम्हें ये रिस्क उठाना ही होगा। वो दोनों जितने नजदीक आ जाए उतनी ही जल्दी उन दोनों की गलत फहमियाँ दूर हो सकती है, और वो जल्द से जल्द एक दूसरे को चाहने भी लगेंगे, और तुम्हारा साखर पोड़ा ही सबसे अच्छा जरिया है उन दोनों को नजदीक लाने का। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा। है ना? बिल्कुल सही। तो फिर चलो तुम दोनों जाके अर्चना को निमंत्रण दे के आओ। ओके बाबा, डन 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 डन। तो आज से मिशन मानव अर्चना शुरू। आई तू चल, मैं कर रही हूँ। अरे अर्चो तू तो सब ये रहने दे, तू जाकर आराम कर जा। आई तुझे पता है ना मुझे आराम रास नहीं आता, और सुबह से तू भी तो काम ही कर रही है ना, तो मैं कर लूंगी, तू जा। तू नहीं सुनेगी ना इस मामले में तू नहीं। अच्छा ठीक है, ये दो रोटी रह गई है वो तू बेल ले, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। ठीक है। परशु इतनी देर से अखबार में सर खपा रही है, कुछ मिला कि नहीं? हाँ दो कंपनीज में वैकेंसी है, और लगता है एक में इंटरव्यू के लिए कल ही जाना पड़ेगा। चलो अच्छा, एक बार तुम्हारा रूटीन शुरू हो जाना तो अच्छा होगा। वैशाली जरा देखो तो कौन है, पता नहीं कौन आया इस वक्त। आहो तो टीवी बंद करा अणि चला जेवायला। वैशु कौन है? ये वैशु भी ना। अरे विनोद देखो कौन आया है। अरे मानो के भाई बहन सचिन और वंदिता आए हैं। सचिन वंदिता तुम दोनों यहाँ कैसी है वंदु? अच्छी हूँ वहिनी। वो वहिनी आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। अरे बातें होती रहेंगी, आओ तुम दोनों यहाँ। वैशु पानी है, आओ बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सचिन की सगाई है, और हम चाहते हैं आप और आपका परिवार इसमें शामिल हो। पूरा एपिसोड देखिए Zee5 पर।